सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अहमदाबाद बज्जी पैरट्स में। सूरत में हूँ, आपको पता है सूरत से जाते जाते अभी शाम हो गई है शाम को, लेकिन हम सपना जी का वीडियो कवर करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो डॉग्स वगैरह है जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पे डाल चुका हूँ, पुराने वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर आप चेकआउट करिए। सपना जी जो है प्रॉपर डॉग्स के अंदर ही काम करते हैं और शौकिया तौर पर कुछ बर्ड्स भी रखे हुए हैं। बर्ड्स की भी ब्रीडिंग होती है तो कभी कभी चिक्स अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि अभी हॉलैंड बजीज के कुछ चिक्स इनके पास अभी यहाँ पर है। अभी हम यहाँ पर आज जो देखने आए हैं, खासकर जर्मन शेफर्ड के कुछ बेबीज़ है वो हम देखने आए हुए हैं। इसमें से दो बुक हो चुके हैं, तीन ऑब्वियसली इनके पास है अभी यहाँ पर। सुबह में इन्होंने एक बेहतरीन शूट लिया हुआ है तो वो शूट मैं अटैच करूँगा, वो आप ज़रूर देखना। और पहले आपकी मुलाकात करा देता हूँ मैं सपना जी से। आइए सपना जी, कैसे हो? हेलो, बढ़िया, बस बस एकदम फाइन। बहुत बहुत शुक्रिया आपने दोबारा आने का मौका दिया यहाँ पर। अरे नहीं, बिल्कुल हर बार। जी, तो आज क्या देखेंगे हम, क्या है? हाँ, तो अभी हमारे पास देखने के लिए तो जर्मन शेफर्ड के बच्चे हैं। ओके। एंड जो मेरी फीमेल है रानी, वो हमने मतलब जर्मन शेफर्ड में ब्रीड नहीं करती, बहुत रेयर। एक फीमेल है मेरे पास, सिजू में काम है। आप सिजू में ही काम है? यस यस, ये मेरी सिक्योरिटी डॉग है। ओके। एंड मैं उसको दिखाऊंगी भी, वीडियो में भी दिखाऊंगी, बहुत ही शानदार। हम वो वीडियो अटैच कर देंगे। मतलब जे आप देख लो कि डबल कोट में जैसे मेल होते हैं ना, मेल को टक्कर देती है मेरी ये फीमेल। ओके। एंड इतनी ओबीडियंस है, एकदम गार्ड डॉग। उसके बच्चे भी बहुत ही प्यारे हुए हैं। ओके। तो आपने बताया दो ऑलरेडी जा चुके हैं, या दो ऑलरेडी हैं, सोल्ड हो गए हैं। एंड अभी मेरे पास दो मेल और एक, नहीं सॉरी, एक मेल और दो फीमेल अवेलेबल। ठीक है। और इसके अलावा आपने बताया सिज्जू भी कुछ प्रेग्नेंट वगैरह है, वो तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिज्जू में भी अभी तो ऐसा है कि मेरे पास बच्चे होते हैं और बुक हो जाते हैं। यस यस। तो इस बार मैं आपके वीडियो के थ्रू अभी जितने भी क्लाइंट आ रहे हैं और उन सबको ये है कि मैं एडवांस में बताना चाहूँगी कि हाँ चलो अभी उनको आने वाले समय में ये बच्चे उनको अवेलेबल है, ताकि वो जल्दी से जल्दी बुक करें। ओके। अभी इतने सारे क्लाइंट होते हैं कि मैम आपने मुझे पहले नहीं बताया, तो अभी ये भी टाइम नहीं होता कि मैं पर्टिकुलर एक एक लोगों को वीडियो भेजूं। ओके। अभी मैं उनको यही कहती हूँ कि मेरा स्टेटस आएगा, व्हाट्सएप स्टेटस आएगा, व्हाट्सएप स्टेटस में देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इनको हाई करके भेजिए। ये आपका भी नंबर सेव कर लेंगे तो इनका स्टेटस आपको दिखेगा, आपका नंबर एक बार शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, मैं अपना नंबर बोलूंगी और नंबर से पहले मैं थोड़ा सा जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस देना था वो मैं अभी दे देती हूँ। बहुत सारी क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट आती है, अभी मैंने फेस भी किया है। जैसे कि पहले मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम सपना शर्मा है, मैं सूरत गुजरात में रहती हूं। ये जो वीडियो आप इनके थ्रू देख रहे हो, ये वीडियो सूरत गुजरात की है। हर क्लाइंट पूछते हैं कि मैम आप कहां से बोल रहे हो। हम सूरत में प्रॉपर, सूरत में प्रॉपर, सूरत का नाम बता दीजिए। ये सूरत गुजरात वेलेंजा गाँव है, वेलेंजा। बट जो बाहर से है, अदर स्टेट से, उनको पता नहीं होता, तो ये वीडियो सूरत गुजरात में बन रही है। और सेकेंड की बहुत सारे क्लाइंट के ये होते हैं कि मैम आपका फोन नहीं लग रहा, तो हम अब ऐसा करेंगे कि अपने हर वीडियो में बताएंगे कि हमारा जो एरिया है वो एकदम खेत के बीच में है, नेटवर्क नहीं आता है, तो यहाँ नेटवर्क नहीं आता, यहाँ हर जगह वाईफाई का सिस्टम है। आप मुझे कॉल करेंगे तो आपको शायद स्विच ऑफ मिले मेरा फोन, बट मेरे पास नोटिफिकेशन आती है, मैं उनको कॉल करूंगी। ठीक है, व्हाट्सएप एंड वो जब भी मुझे व्हाट्सएप कॉल करेंगे, बच्चे देखने हैं, वीडियो कॉल करेंगे, बच्चे उनको देखने को मिलेंगे, तो ऐसा वो ना समझे कि जेन्युइन नहीं है। ठीक है। सेकेंड इशू आती है मुझे पेमेंट की। कई बार बोलते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे ये फ्रॉड हुआ, हमारा यहाँ पे ये फ्रॉड हुआ, बट ऑल ओवर इंडिया में मतलब क्लाइंट तो मेरे इतने हैं कि अब बच्चे मेरे पास रहते नहीं और सभी कोई मुझे पहले एडवांस बुकिंग करते हैं। जब बुकिंग होती है, एडवांस बुकिंग करते हैं, बच्चे रेडी हो जाते हैं, फुल पेमेंट मुझे देते हैं, मैं यहाँ से बच्चे भेज देती हूँ। चलिए, अब मैं ये क्लिप अटैच कर रहा हूँ जर्मन शेफर्ड का, जो बच्चे के साथ एंजॉय वगैरह कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो देख लेंगे। वीडियो को एंजॉय करिए।
दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अंदर की साइड में। अब आपको दिखा लेते हैं जो प्रेग्नेंट डॉग्स वगैरह है और जो बेबीज भी है यहाँ पर। सपना जी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। जो हमारी फीमेल के तीन ही बच्चे हैं, इसे तीन ही हुए थे और तीनों के तीनों इसके मेल हैं। तो ये ऑलरेडी बच्चे बुक हैं। ये एक बेबी है, इतना क्यूट सा, ये मुंबई में बुक है। एंड दिस वन, ये एक बेबी है हमारा, ये सूरत में बुक है। ये भी एक बेबी है, मेल बेबी, ये भी सूरत में बुक है। एकदम अपने फादर के ऊपर गया है। छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे हैं। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी फीमेल से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जिसके जिसके बच्चे ऑलरेडी बुक्ड है। इस बार तो ऐसा हो रहा है, इस बार नहीं, पिछले चार पांच महीनों से ऐसा हो रहा है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे बुक हो जा रहे हैं। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं करती, इतने छोटे बच्चे में बुक नहीं करती, बट क्लाइंट रुकते ही नहीं कि मैम आप वीडियो भेज दो, हम कलर मार्किंग देख लेंगे। ओके, बुक हो जाते हैं, मतलब सिर्फ बुक करके रखते हैं, बाद में जब ये रेडी होने के बाद ही आप देते हो। यस यस, रेडी होने के बाद। आपने मदर को देख ली, ये मदर है, इसमें से मेरे दो बच्चे बुक हैं। ये एक मेल है, ये बुक है, नंबर तो मुझे मोबाइल में देखना पड़ेगा। दो ब्राउन कलर, एक ये ब्राउन कलर और एक ये ब्राउन कलर, ये दोनों बच्चे बुक है। एक अहमदाबाद में बुक हुआ है और एक सूरत में बुक हुआ है। और एक और मेल पपी है, इसकी भी बुकिंग की बात चल रही है रतलाम में, बट अभी तक चूंकि उनकी एडवांस पेमेंट नहीं आई है, और जब तक एडवांस पेमेंट नहीं आ जाती है तब तक हम बुकिंग नहीं मांगते। ओके ओके, सही है। बात चल रही है रतलाम में, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वो तो अभी के अभी मुझे पेमेंट कर दे, बट थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का उनका है कि वो आके लेके जाएंगे कि मैं यहाँ से लेके जाऊंगी, उसकी ये चल रही है, नहीं तो ये भी बुक हो ही जाएगा। सही है, कितने छोटे बच्चे प्ले कर रहे हैं, मतलब रतलाम वाले ने अभी बुकिंग नहीं की। अगर कोई दूसरा बुकिंग करना चाहेगा उनके पहले तो आप बुकिंग ले लोगे? यस यस, अगर उससे पहले बुक हो गया तो मैं बुकिंग ले लूंगी। ये मेल बच्चा है और ब्लैक एंड व्हाइट, मेल बच्चा है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। मदर देखिए कितनी एक्टिव है, बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हैं, साथ ही रहती है। अच्छा, और दूसरा ये एक ब्लैक एंड व्हाइट है, ये फीमेल है, ये बुक हो चुका है? नहीं, ये अभी बुक नहीं, बुक नहीं हो चुका। एक मेल आपके पास है और एक फीमेल अभी आपके पास है, एक ब्लैक एंड व्हाइट मेल एंड एक ब्लैक एंड व्हाइट फीमेल, जो बुक अभी नहीं हुए हैं। अभी कोई अगर बुक करेगा तो ऑब्वियसली आप बुकिंग ले लोगे, बुकिंग ले लोगे। फेस देखे कितने, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। और ये कॉम्पैक्ट साइज में, ये सभी के फेवरेट चार्मी के बच्चे हैं। अच्छा, चार्मी के बच्चे ही है, ओके ओके, फादर चार्मी है, फादर चार्मी है, ओके। ब्लैकी कम बेटा, ये ब्लैकी, ये मदर है। यस यस यस, एकदम फेस देखिए आप इसका, उसका सब केसीआई रजिस्टर्ड। ओके, चलो बेटा अंदर चलो, चलो फिर थोड़ी देर बाद आना, चलो चलो थोड़ी देर बाद बेटा। ये मेरे साथ मेरे बिस्तर पे रहती है, इसके पहले छुटकू के बच्चे बिस्तर पे रहते थे, यानी कि आपने ये बच्चे जो देखे ये पहले यहाँ रहते थे, और चूंकि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमने इनको बड़ा स्पेस दिया है ताकि वो अच्छे से खेले, अच्छे से प्ले करे, अच्छे से बड़े हो। एंड अभी ये चूंकि छोटे हैं, जैसे ही ये बच्चे थोड़े बड़े होंगे, अभी खुद से चलने लगेंगे और थोड़ा सेल्फ, मतलब मैं इनको बाहर की फीडिंग जैसे ही चालू करूंगी, इन चारों बच्चों को भी मैं ऐसा बड़ा हाउस दूंगी रखने के लिए, खेलने के लिए, कि हाँ अभी वो आराम से खेले, प्ले करे और अच्छे से एक्टिव हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी कौन से बच्चे अपकमिंग आने वाले प्रेग्नेंट फीमेल, ये प्रेग्नेंट, या तो ये मेरी पहली फीमेल है, क्योंकि सभी को पता है कि मैं हेयर कट करके रखती हूँ। आप फीमेल का फेस देखिए कितना छोटा सा फेस है, जीव ऐसे ही बाहर रहेगी, पंच फेस है तो इसके लिए, ठीक है। तो ये है हमारी जोया, ये अभी 15 डेज में, मतलब इसके बच्चे अभी 1 मंथ के अंदर आ जाएंगे, बुकिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, 1 मंथ के लिए बुकिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। यस यस, 1 मंथ में बुकिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब 15 दिन में बेबी आ जाएंगे, फिर उसके 15 दिन बाद आप बुकिंग ले लोगे, बुकिंग लूंगी। यस, दूसरी फीमेल अब मैं आपको दिखा रही हूँ, वो इम्पोर्ट की है, सिजुका, कम बेटा, सिजुका, यस, दिस वन, इसके बच्चे आपने पहले भी देखे हुए, यस यस, बहुत बढ़िया। ये शिजुका है तो इसका नोबिता कौन है? चार्मी,
चार्मी है, ओके गुड गुड। तो ये मेरी सेकंड नंबर की फीमेल, इसके बच्चे भी बहुत जल्द, चलिए बहुत अच्छे से आ जाएं, चलो आ जाओ। ये है हमारी तीसरी फीमेल, ये सब बच्चे 2 महीने के अंदर सब ऑलरेडी क्या कहते हैं बच्चे देने वाली है। ओके ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है छोटू। छोटू छोटू छोटू, बस 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 तुम्हारा ट्रीट ये रहा बेटा, ये रहा छोटू छोटू, ये रहा ट्रीट खाने के लिए सब लोग आ जाएंगे। देखो ये लोग भी ट्रीट के लिए हमारी कॉम्पैक्ट साइज फीमेल चिंकी। अभी आप इसका फेस देखिए, ऐसे कॉम्पैक्ट साइज में बहुत कम होते हैं मेरे पास। तो ये है चिंकी, इसके बच्चे भी चलो अगर सब अच्छा रहा तो 2 महीने बाद अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे, है ना चिंकी? चिंकी की ट्रीट आज सभी को ट्रीट मिलेगी। ओके तुमको तो सबसे ज्यादा इसको देना। ये मेरी सबसे फेवरेट जोया, जोया ये जोया। अभी जो पहले आपने फीमेल देखी चिंकी, वो इसकी ही बच्ची है। बस बस बेटा बस 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 चलो चलो, जोया को भी ट्रीट मिलेगा, गुड गर्ल। तो ट्रीट के पीछे तो सब पागल है। हाँ हाँ तुमको भी मिलेगा, लो और लो। तो जितने टाइम इंट्रोड्यूस होंगे सबको ट्रीट मिलेगा। तो ये है जोया, इसके भी अप्रोक्स 2 मंथ्स में सब अच्छा रहा तो प्यारे प्यारे बच्चे आ जाएंगे, गुड गुड, है ना जोया? इसका फेस भी देखिए, एकदम छोटा बोलते हैं ना, एकदम छोटा छोटा फेस है। और इसके बच्चों का फादर है जॉय, जॉय या जॉय बोल करके है, वो भी आपने मेल देखा हुआ है। तो जॉय और जोया, ये है सबकी जान, ऑल टाइम फेवरेट मेरा चार्मी। शायद बहुत लोग पहचानते हैं चार्मी को, शायद अभी न्यू लोग नहीं जानते। हाँ जिन्होंने ओल्ड वीडियो देखी होगी ऑब्वियसली वो चार्मी को जानते होंगे। मैं खुद भी जब अंदर आता हूँ तो सबसे पहले मैं चार्मी को ढूंढता हूँ। ये हमारा चार्मी, चार्मी लो लो लो, ये लो ये लो ये लो, क्या चाहिए बेटा को? तो अभी आप जो देख रहे हो इन बच्चों का फादर भी चार्मी, चार्मी है। एंड ये जो बच्चे हैं इनका फादर भी चार्मी है, चार्मी है। तो अब पता चला कि सबसे शैतान, हाँ सबसे शैतान चार्मी ही है, सबसे शैतान, पूरा खा जाऊंगा बोलता ही है। एक्चुअली ये इतना मतलब ये इतना फ्रेंडली सब पता है कि ये कुछ भी करेगा ना तो आप कुछ नहीं बोलने वाले, कोई इसको कुछ नहीं, मैं नहीं, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा। मतलब कहते हैं ना जंगल का शेर, हाँ तो ये जंगल का शेर है। ये छोटे से ऐसे ही, ऐसे तो सभी, अब देखो ना जितने भी मेरे घर पे है ना सब एक से बढ़कर एक है। मतलब मैं सबसे ज्यादा हूँ ऐसा। और सही कहूँ तो ब्रीडिंग लाइन में ऐसा ही माहौल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ये है हमारी बीगल फीमेल, इसके फादर भी इम्पोर्ट है, इसकी मदर भी इम्पोर्ट है। एंड ये हमने हमारे कहते हैं गुजरात के नंबर 1 ब्रीडर हैं जो बीगल में ही ब्रीड करते हैं। जैसे कि आपने मुझे देखा है मैं सिद्धू में ब्रीड करती हूँ, वैसे ही इसके जो ओनर हैं मतलब जिनके पास से मैंने ब्रीडर है वो अपने गुजरात के सबसे बड़े ब्रीडर हैं। मतलब उनके बच्चे एक एक बच्चे करीबन स्टार्टिंग प्राइस होती है 70,000-80,000 से बीगल के अंदर। कोई लोग कहते हैं ना कि बीगल हमें 8,000 में भी मिलते हैं, हाँ मिलते हैं 8,000 में भी, बट क्वालिटी जो क्वालिटी बिकती है ना तो मैं क्वालिटी में शुरू से डील करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी मैंने उनके पास से ही ली हुई है। एंड अभी जो रियल में बीगल के ब्रीडर हैं या बीगल के जानकार हैं उनको पता चलेगा कि हाँ ये क्वालिटी क्या है। तो अभी बहुत जल्द इसके भी बच्चे आने वाले हैं, इसका नाम हमने मिमी रखा है। मिमी, हाँ मिमी मैंने रखा है। ऑब्वियसली पेपर के अंदर दूसरे नाम है, ये भी KCI रजिस्टर्ड है
एंड जो इसके बच्चे होंगे वो भी KCI रजिस्टर्ड ही होंगे एंड इनके फादर भी इम्पोर्ट है, इसकी मदर भी इम्पोर्ट है। ये एक लासा एप्सो एंड बहुत ही क्यूट एक ही फीमेल है एंड सबसे बड़ी बात है कि मदर को सिंगल बच्चा है, इसकी वजह से इतना हेल्दी एंड इतना एक्टिव है ये बच्चा, आप देख सकते हो। मैंने पहले भी बहुत बार मेंशन किया है कि जब मदर सिंगल पप्स देती है थोड़ा सा स्कैड हो रहा है, डर रहा है बच्चा क्योंकि फर्स्ट टाइम माँ के पास से थोड़ा बाहर आया है ना। हाँ, तो मैं जैसा बता रही थी कि मदर को सिंगल पप है, सिंगल बेबी है, तो बहुत ही हेल्दी बहुत ही एक्टिव। ये मेरे हैंड में ऐसा लग रहा है बट रियली इतना एक्टिव है, इतना प्लेफुल है, ये फीमेल है। तो ये क्वालिटी आप देखिए, आपको लासा एप्सो में ऐसी क्वालिटी देखने के लिए बहुत ही कम मिलेगी। ये देख सकते हैं मदर को सिंगल पप है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आपको दिखाया आपको अच्छा लगा होगा और जर्मन शेफर्ड का जो क्लिप चलाया था वो भी आपने एंजॉय किया होगा। बड़ा अच्छा क्लिप था और बड़ा अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पर लाइव देखते हुए भी। शाम हो चुकी है तो क्या उतना क्लियर व्यू अभी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, इसलिए सुबह का क्लिप हमने अटैच किया हुआ था। सपना जी का नंबर हम दोबारा शेयर कर लेंगे और इनका नया फैमिली मेंबर से भी मुलाकात करवा देता हूँ। बिल्कुल, ये मेरी प्यारी सी गुड़िया है, फ्रेंच बुलडॉग ये ब्रीड है, फ्रेंच बुलडॉग। एंड मेरे पुराने न्यू कस्टमर के लिए एक न्यूज और भी है कि अभी मैं और भी सिज्जू तो मैं कर रही थी, सिज्जू तो करते ही हूं। यस, अब मैं दूसरे ब्रीड में भी काम करूंगी लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप लोग जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स कीजिए कि आपको स्मॉल ब्रीड के अंदर कौन से डॉग चाहिए, तो अब मैं उनकी ब्रीडिंग ही करूँगी। कमेंट सबके चेक करके सपना जी, और सबसे अच्छी जो कमेंट लगेगी उसको मैं पिन भी करूंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि आपको सिज्जू के अलावा, सिज्जू तो ऑल टाइम रहेंगे, सिज्जू के अलावा और आपको स्मॉल में कौन सी ब्रीड, बार बार मेंशन करिए स्मॉल में, फ्रेंच बुलडॉग, बड़े डॉग नहीं, स्मॉल ब्रीड, आप जो भी स्मॉल ब्रीड रहेगी एंड या एग्जांपल रहे फ्रेंच बुलडॉग है, बीगल है एंड टॉय पॉम है और भी बहुत सारी स्मॉल ब्रीड आती है। अब देखते हैं कि क्लाइंट कितने ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं। यस, और जिसको आपने रेडी किया हुआ है मैं उसको भी दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ऑल टाइम फेवरेट, शो में उतारने वाले मैम इसको, सुबह बहुत बढ़िया रेडी किया था, थंबनेल पे आपने फोटो भी देखा होगा, बड़ा अच्छी तरह से रेडी किया था लेकिन सुबह थोड़ा सा दिक्कत हो गई, तूफान वगैरह ज्यादा तेज था। अभी तक आप सबने चार्मी को बहुत प्यार दिया है, ये हमारी जिया इम्पोर्ट की गर्ल है, ये मतलब इसके फादर भी इम्पोर्ट है और इसकी मदर भी इम्पोर्ट है। गुड। तो अब हम बहुत जल्दी, अभी तक तो मैं नॉर्मली शो नहीं कर रही थी जैसे डॉग शो होते हैं, चूंकि मेरे सब डॉग KCI रजिस्टर्ड होते हैं, मेरे सब डॉग 100% सिज्जू हैं एंड सभी को पता है मैं KCI रजिस्टर्ड बच्चे भेजती हूँ। तो अभी तक मैं शो नहीं कर रही थी बट अब बहुत जल्दी ऐसा होगा कि मैं शो भी करूंगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो, नंबर आपका एक बार जाते हैं शेयर। बिल्कुल, 777-973-1113। चलिए, तो फिर उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने डॉग का वीडियो। सपना जी का ही मैं बनाता हूँ खासकर, क्योंकि अच्छे डॉग्स होते हैं इनके पास और अब तक जनरली चीजें पहुंच भी जाती है, सेफली पहुंच जाती है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, तब तक थैंक यू, हाफिज़ या मानेगा।